नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है टेकी टीवी के इस नए वीडियो में। तो फिर आइए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आज के इस वीडियो का टॉपिक है OnePlus 5। तो फिर आइए जान लेते हैं OnePlus 5 के बारे में कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं OnePlus 5 के कुछ फीचर्स और जो स्पेसिफिकेशन से। पहले बात करते हैं बॉडी के बारे में, बॉडी या फिर बिल्ड क्वालिटी जो भी कह लो आप। पहले अगर बॉडी के बारे में बात करें तो फिर हम लोग दिखा देते हैं OnePlus 5 कैसा है इस बार। ये है बेसिकली हमारा OnePlus 5 इस साल का, जो कि बहुत ही अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है और खूबसूरत दिखने में आता है दोस्तों। और इसके अगर वेट के बारे में बात करूँ मैं, डिमेंशंस के बारे में बात नहीं करते इस बार, वेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिर इसका जो वेट है वो बहुत ही लाइट वेट के साथ आता है ये फ़ोन। इसका वेट बेसिकली है 153 ग्राम, जो कि आपको एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी देगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस बार कैसा डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा OnePlus 5 में। पहले ही बता दूँ दोस्तों, इसमें आपको इस साल एक ऑप्टिक एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 16M कलर्स के साथ में आएगा। इस फोन का साइज होने वाला है 5.5 इंचेस का, जो कि 73.0% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और रेजोल्यूशन है 1080x1920 पिक्सल्स 401 PPI पे PPI के ऊपर बेसिकली। अब जो प्रोटेक्शन आने वाला है इसके साथ में वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। तो ये एक बहुत ही बड़ा थम्सअप है दोस्तों OnePlus की तरफ से। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस बार OnePlus 5 में आपको कौन सा OS देखने को मिलेगा। इस बार भी OnePlus 5 में OnePlus का खुद का ऑक्सीजन OS आपको देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड नोकर पर बेस होगा। और ये OS बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड कर देगा ये दोस्तों। और उसके बाद अगर CPU के बारे में बात करूँ तो फिर इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम का Snapdragon 835, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है बेसिकली। इसके जो कोर्स है, इसके चार कोर्स 2.45 GHz पे काम करते हैं दोस्तों और बाकी चार कोर्स 1.9 GHz पे काम करते हैं इस फ़ोन में। अब दोस्तों अगर मैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करूँ तो फिर GPU आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एड्रीनो का 540। अब ये OnePlus 5 में जो स्पेसिफिकेशन अब तक हमने देखे वो एक बहुत ही बड़ा थम्सअप है दोस्तों। परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही अच्छा एफिशियंट होगा ये OnePlus 5 दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं इस साल के मेमोरी के बारे में, OnePlus 5 में कैसे आपको मेमोरी देखने को मिल जाएगा। तो फिर इसमें आपको कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलेगा SD कार्ड इंसर्ट करने के लिए, जो कि एक थम्स डाउन है दोस्तों। इंटरनल की अगर बात करें तो फिर 64 GB का एक वेरियंट आता है 6 GB के रैम के साथ में दोस्तों। और दूसरा एक और वेरियंट आता है, वो है 128 GB के रोम के साथ में मिलेगा आपको 8 GB के रैम के साथ में दोस्तों। अब अगर कैमरा के बारे में बात करूँ इस साल के, तो फिर कैमरा एक बहुत बड़ा हाईलाइट है OnePlus 5 का। पहले तो आपको प्राइमरी जो कैमरा मिलता है दोस्तों, वो डुअल कैमरा है, 16 MP का f1.7 अपर्चर का एक कैमरा, जो कि EIS जेरोस्कोप वाला सेंसर के साथ में आता है आपके साथ में। और दूसरा जो है कैमरा, जो डुअल कैमरा का दूसरा कैमरा है, वो है 20 MP का एक शूटर f2.6 अपर्चर के साथ में दोस्तों। फेस डिटेक्शन और ऑप्टिकल जूम, ऑटो फोकस, आपको सभी तरह के फीचर्स इस कैमरा में देखने को मिल जाएंगे LED फ्लैश के साथ में। अब अगर बात करें वीडियो के रिकॉर्डिंग की, तो फिर आपको यहाँ पे 4K रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर दोस्तों। फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप इस फ़ोन में 30 या फिर 60 FPS तक, और 720p तक रिकॉर्ड कर सकते हो 30 या फिर 120 FPS तक दोस्तों। अब अगर बात करें सेकेंडरी कैमरा के बारे में, तो फिर इसमें आपको 16 MP का एक शूटर मिलेगा f2.0 अपर्चर का, जो कि EIS सेंसर के साथ में आता है। 1.0 micron का इसका पिक्सल साइज है दोस्तों, और फुल HD के साथ आता है। ऑटो HDR का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बेसिकली। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फ़ोन के सेंसर्स के बारे में, तो फिर इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, पहले में ही बता देता हूँ। और उसके बाद अगर मिल जाता है आपको यहाँ पे देखने को एक्सेलेरोमीटर, उसके बाद जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके बाद 3.5 mm जैक का भी आपको सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाएगा बेसिकली। और उसके बाद अगर बैटरी की बात करूँ मैं दोस्तों आपसे, तो फिर इस साल यहाँ पे OnePlus ने यूज़ किया है नॉन रिमूवेबल लिथियम पॉलीमर बैटरी को, जो कि है 3300 mAh की। अब इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है डैश चार्जर के साथ में दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं OnePlus 5 के प्राइसिंग के बारे में। रिलीज होने वाला है ये फोन कल ऑनलाइन में, आपको ये प्राइसिंग जो है लीक हो चुका है बेसिकली, तो मैं वही बताऊंगा।
पहला जो वेरिएंट है जो स्लेट ग्रे के नाम से जाना जाता है, 6 GB रैम और 64 GB की स्टोरेज के साथ में आता है, ये आपको मिल जाएंगे 32,999 रुपये में दोस्तों। और ये एक पहला वेरिएंट था वन प्लस फाइव का। और दूसरा जो वेरिएंट है वो मिल जाएगा आपको मिड नाइट ब्लैक नाम से, वो है 8 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज के साथ में, ये मिल जाएगा आपको 37,999 रुपये के प्राइस में। तो दोस्तों यही था वीडियो देखने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।